रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर नंबर 3 में टेबल को डिटेल के साथ पढ़ा था कि टेबल को हम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, और फिर टेबल के डिज़ाइन और उसकी फॉर्मेट किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर से। पिक्चर जिस तरह हम एमएस वर्ड में या एमएस एक्सेल में पिक्चर को इंसर्ट कर सकते थे, इसी तरह हम यहाँ पर भी हम पावर पॉइंट में भी अपनी नीड के मुताबिक जिस पिक्चर की ज़रूरत हो उसको हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। आप इंटरनेट से डाउनलोड करके सेव करो तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर को हम दो तरीक़ों से इंसर्ट कर सकते हैं। एक हमारे पास है ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब है कि आपके पास जो आपके सिस्टम या पीसी में पड़ा होता है आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है तरीका ऑनलाइन पिक्चर का। आपके पास ऑनलाइन पिक्चर, आप ऑनलाइन पिक्चर भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है। आपके पास इंटरनेट हो तो आप ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं किस तरह पिक्चर को इंसर्ट कर देता हूँ। मैं एक और स्लाइड इंसर्ट करना चाहता हूँ, कंट्रोल प्लस एम। तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर को इंसर्ट करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हम किस तरह पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट, तो आप कहीं से भी अपनी सिस्टम में जो भी पिक्चर आपके पास पड़ी हो वो आप कहीं से भी पिक कर सकते हैं और फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से एक पिक्चर को कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास, मैंने एक पिक्चर को इंसर्ट कर दिया। जब मैंने पिक्चर को इंसर्ट कर दिया तो हमारे पास एक और मेन्यू ओपन हो गया जिसको नाम है, जो हमारे पास है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिक्चर के बैकग्राउंड को भी आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आप यहाँ से पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं इजीली। जब आप पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें हमारे पास है मार्क एरिया टू कीप। इसका मतलब यह है कि जो एरिया आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके पास सेव हो जाएगा, बाकी डिलीट हो जाएगा। एक और ऑप्शन है हमारे पास, मार्क एरिया टू रिमूव। आप जिस एरिया को रिमूव करना चाहते हैं उसको मार्क करो, वो डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। एक हमारे पास है डिलीट मार्क। आपने जिस एरिया को मार्क किया है आप उसको रिमूव कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल वाई जिस तरह हम कर सकते थे अंडू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैंने जो चेंजिंग की है वो हमारे पास मौजूद हो, जो मतलब रहे, तो आप यहाँ से कीप चेंजिंग पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैंने इसमें जो भी चेंजिंग की है पिक्चर में वो हमारे पास डिस्कार्ड हो जाए, ख़त्म हो जाए, पिक्चर अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं डिस्कार्ड ऑल, तो हमारे पास हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है करेक्शन। करेक्शन है क्या चीज़, जिस तरह हम अपने पिक्चर की ब्राइटनेस को या शार्पनेस को कम ज़्यादा कर सकते थे, तो आप यहाँ से वो ईजिली कर सकते हैं। तो पिक्चर यहाँ पर सेलेक्ट है, हम यहाँ से आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जब भी मैं किसी भी स्टाइल पे क्लिक कर देता हूँ कंट्रास्ट पे, तो हमारे पास पिक्चर की जो लुक है वो चेंज हो जाती है इजीली। तो आप यहाँ से पिक्चर करेक्शन ऑप्शन पे भी जा सकते हैं जहाँ से आप कर सकते हैं इजीली। यहाँ से आप देख सकते हैं राइट साइड पर हमारे पास एक ऑप्शन ओपन हो गए हैं फॉर्मेट पिक्चर। तो आप यहां से प्रीसेट, शार्पनेस और ये सारी की सारी चीज़ें आप यहां से कर सकते हैं। पिक्चर कलर भी यहां से आप कर सकते हैं, तो इजीली यहां से आप चेंज कर सकते हैं। अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो यहां से आप क्रॉप भी कर सकते हैं, तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर मैं हर एक चीज़ को फुली डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँ तो ये वीडियो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आप लोगों को हैंड्स देता हूं कि यहाँ से क्या क्या काम होते हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, बाकी आपका काम है उस पर प्रैक्टिस करें। जो इशू हो तो आप मुझसे कमेंट में आके पूछ सकते हैं कि भाई इसमें मसला है, आप मुझे इसको डिटेल के साथ समझाएं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डेफिनेटली समझाऊंगा। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर कलर, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं वेरिएशन का, और सेट ट्रांसपेरेंट कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर हैं इफ़ेक्ट्स, अपने पिक्चर को इफ़ेक्ट भी आप देख सकते हैं, जो इफ़ेक्ट आप देना चाहते हैं तो आप वो इजीली दे सकते हैं।
ब्लर करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर का मतलब है कि हम यहाँ से अपनी पिक्चर की साइज़ को कम कर सकते हैं। सपोज़ ये हमारे पास है 500 KB की, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी साइज़ को कम करूँ तो आप यहाँ से कर सकते हैं, पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं, इसकी साइज़ को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है चेंज पिक्चर, आप यहाँ से दूसरी पिक्चर को भी यहाँ पर इंसर्ट करना कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये पिक्चर नहीं चाहिए, मैं दूसरा इंसर्ट करना चाहूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर, रीसेट पिक्चर का मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी चेंजिंग्स हमने इस पिक्चर पे अप्लाई की हैं, चाहे वो कंट्रास्ट हैं, चाहे वो उसकी लेआउट हैं, जो भी है, आप यहाँ से अपनी पिक्चर को दोबारा रीसेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पिक्चर रीसेट हो गया। इसके अलावा हमारे पास है पिक्चर स्टाइल, आप अपनी पिक्चर को स्टाइल भी दे सकते हैं कि कौन सा स्टाइल आप देना चाहते हैं, तो आप इजीली उसको दे सकते हैं। यहाँ पर जाके आप और पिक्चर स्टाइल भी देख सकते हैं। आप यहाँ से पिक्चर बॉर्डर पे भी जा सकते हैं, पिक्चर बॉर्डर जो देना चाहते हैं तो मैं रेड कर देता हूँ, आप दे सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर को इफेक्ट देना चाहते हैं तो भी आप वो दे सकते हैं इजीली। 3D करना चाहते हैं तो भी आप वो यहाँ से कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। पिक्चर लेआउट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि पिक्चर लेआउट क्या है, तो आप यहाँ से पिक्चर लेआउट भी चेंज कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा अगर आपके पास डिफरेंट पिक्चर हैं तो आप उसको फ्रंट बैक पर लाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी लाइन है ये पहले हम पढ़ चुके हैं, क्रॉप से हम पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, जितना क्रॉप शेप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और क्रॉप करना चाहते हैं तो भी इजीली पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। हाइट वेट ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत ही ईजी है। तो ये था हमारे पास जब हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास उसकी ऑप्शन है, फॉर्मेट्स हैं, लेआउट्स हैं, डिज़ाइन है, तो हम यहाँ से पिक्चर के डिज़ाइन वगैरह सारे के सारे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है ऑनलाइन पिक्चर, ऑनलाइन हम ऑनलाइन पिक्चर किस तरह लेके आ सकते हैं, आप यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसको लेके आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए इंटरनेट का होना लाजमी है। इसके अलावा हमारे पास है स्क्रीनशॉट, आप कहीं से भी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ से ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, मैं इसको ले लेता हूँ और फिर मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया और अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट भी कर दिया इजीली। इसके बाद हमारे पास है फोटो एल्बम। फोटो एल्बम क्या है कि आप यहाँ से फोटो एल्बम भी बना सकते हैं, आपके पास बहुत डिफरेंट पिक्चर वहाँ पर, फिर आप यहाँ से पिक्चर को इंसर्ट करेंगे तो आप यहाँ से उसको, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, सपोज ये हमारे पास पिक्चर नहीं है, यहाँ से मैं ये कर देता हूँ इंसर्ट, मैं क्रिएट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने फोटो एल्बम भी यहाँ पर क्रिएट किया है। हम अपनी फ़ोटोज़ का या जितनी भी फ़ोटोज़ हम अपने प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं उनको हम फोटो एल्बम में भी रख सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये सारी की सारी पिक्चर हमने इस प्रेजेंटेशन में यूज़ की हैं, तो यहाँ से हम फोटो एल्बम भी बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि शेप्स क्या हैं, स्मार्ट आर्ट क्या है, और चार्ट के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा डीपली हम स्टडी करेंगे कि इनको हम किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।